दोस्तों, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में इंजन के क्षेत्र में साझेदारी को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। लेकिन इसके लिए अमेरिका को भारत के लिए ज्यादा अच्छा ऑफर देने की जरूरत है, ताकि भारत खुलकर अमेरिका के साथ इंजन के क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ा सके। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक बयान निकलकर सामने आया है कि भारत अपने एमका फाइटर जेट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन खरीदने वाला है, उसी इंजन को बिना किसी बदलाव के भारत अपने तेजस मार्क 2 और दूसरे फाइटर विमानों में इंटीग्रेट कर सकता है, जिसमें पहले से ही भारत बेसलाइन इंजन का इस्तेमाल कर रहा होगा, जो कि भारत के लिए लॉजिस्टिक के मामले में काफी अच्छी खबर है। भारत अपने पहले पांचवी पीढ़ी के फाइटर विमान यानी कि एमका के शुरुआती स्क्वाडन में इस्तेमाल करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का GEF-414EPE इंजन को खरीदने वाला है, जिसमें EPE का मतलब इनहेंस परफॉर्मेंस इंजन है। और इसका नाम से ही यह बात साफ हो जाती है कि इसके परफॉर्मेंस को दूसरे इंजन के मुकाबले ज्यादा अपग्रेड किया गया है। GEF-414EPE इंजन बेसलाइन F414 इंजन के मुकाबले ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है, साथ ही ये ज्यादा इफेक्टिव और एडवांस भी होगा, इसीलिए भारत इसका इस्तेमाल अपने एमका फाइटर विमान में करने वाला है। जबकि भारत अपने तेजस मार्क 2 और टेडबीएफ जैसे फाइटर विमानों में जनरल इलेक्ट्रिक का ही F414 इंजन इस्तेमाल करेगा, जो कि बेसलाइन वर्जन का होगा। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक के हिसाब से F414EPE और F414 बेसलाइन इंजन दोनों ही डायमेंशन के मुकाबले में एकदम बराबर होने वाले हैं और दोनों में कोई खास अंतर नहीं होगा, इसीलिए भारत इनका इस्तेमाल अपने फाइटर विमानों में बड़ी आसानी से कर सकता है, जिससे भारत को लॉजिस्टिक मैनेज करने में काफी आसानी होगी। तेजस मार्क 2 फाइटर विमानों के लिए भारत शुरुआती दौर में अमेरिका के लगभग 150 की संख्या में बेसलाइन F414 इंजन खरीदने वाला है, और हमारे एमका विमानों के शुरुआती स्क्वाडन में भारत F414EPE इंजन का इस्तेमाल करेगा, जिन्हें स्वदेशी 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाले एरो इंजन के सफल विकास के बाद रिप्लेस कर दिया जाएगा। जिसका मतलब यह है कि एमका के शुरुआती स्क्वाडन में से जब इन अमेरिकी GEF-414EPE इंजन को एक स्वदेशी इंजन से रिप्लेस किया जाएगा, तब भारत बड़ी आसानी से इन इंजन का इस्तेमाल अपने तेजस मार्क 2 फाइटर विमानों में कर सकता है, जिससे यह इंजन वेस्ट नहीं होगा और भारत अपने तेजस मार्क 2 विमानों में एक ज्यादा शक्तिशाली और एडवांस इंजन भी लगा पाएगा, जो कि तेजस मार्क 2 विमानों के लिए भी काफी बड़ा अपग्रेड होगा। यह बात तो साफ है कि तेजस मार्क 2 और एमका के इंजन के डायमेंशन समान होने की वजह से भारत को काफी फायदा होने वाला है और जनरल इलेक्ट्रिक के लिए इन इंजनों की सप्लाई काफी आसान बन जाएगी। इसीलिए भारत के लिए सबसे अच्छा तो यही होगा कि हम अमेरिका के इन इंजनों की 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और IPR को लेकर बातचीत करें, क्योंकि अगर अमेरिका भारत को अपने GEF-414EPE इंजन की IPR दे देता है, तो इससे भारत इनका इस्तेमाल बड़ी आसानी से अपने किसी भी फाइटर विमान में कर सकेगा। वहीं तब हमें हमारे विमानों के निर्यात के लिए अमेरिका से इजाजत लेने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, जो कि एक नए 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाले इंजन को विकसित करने का समय और पैसा दोनों ही बचाएगा, जिसका इस्तेमाल हम हमारे डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को और मजबूत करने में कर सकते हैं। बहरहाल, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत की प्राइवेट कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर भारत के लिए एक बेहद शक्तिशाली सिस्टम का निर्माण कर रही है, जिसका इस्तेमाल करके भारत अपने ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा सकता है, जिसका नाम कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम है। वहीं इसी सिस्टम की अब एक नई और कमाल की जानकारी निकलकर सामने आई है, जो कि कैट सिस्टम की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। दरअसल अब ये बात निकलकर सामने आई है कि भारत अपने कैट सिस्टम के तहत एक RUAV यानी कि रोटरी अनमैंड एरियल व्हीकल का विकास कर रहा है, जो कि ALS ध्रुव पर बेस्ड होगा। हाल ही में सामने आई प्रोमो वीडियो में यह देखा जा सकता है कि यह नया ध्रुव RUAV अल्फा एस लॉटरिंग मुनेशन को लॉन्च करने में सक्षम होगा, साथ ही इसका इस्तेमाल करके कई अलग अलग तरह के सैन्य मिशन को अंजाम दिया जा सकेगा, जो कि कैट सिस्टम की क्षमता और इफेक्टिवनेस को पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। ध्रुव हेलीकॉप्टर पर बेस्ड एक RUAV काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसे लॉन्च करने के लिए किसी बड़े एयर स्ट्रिप की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर से भी आसानी से उड़ सकेगा। साथ ही पहाड़ी इलाकों पर भी इसका इस्तेमाल संभव होगा, जो कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इसकी क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देगा। दोस्तों, जिस तरह से भारत एक के बाद एक शक्तिशाली रक्षा प्रणालियों का विकास कर रहा है, खास करके ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम की श्रेणी में भारत ने जैसी सफलता हासिल की है और जैसे भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह इस बात को दर्शाता है कि भारत ड्रोन के महत्व को मौजूदा हालातों में समझता है और अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए तेजी से काम कर रहा है, जो कि हमारे लिए हर मायने में काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।